हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं हम एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट है, जो लर्नर है, जो कि मेरे साथ क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन जूम सेशन। जी हाँ, आप हमारे साथ ऑनलाइन जूम सेशन भी ले सकते हैं। तो उनकी एक प्रॉब्लम है, तो मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दूं। प्रॉब्लम यही है कि उनके पास कुछ इस तरह का टेबल है जो कि आप देख पा रहे हैं। हालांकि डेटा उनका कुछ और है, बट मैंने इसी तरह से एक सैंपल तैयार किया है जिसमें कुछ नंबर्स दिए गए। ये पिवट टेबल से उलाते हैं। अब यहाँ पे नंबर्स कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नंबर 5 ही होगा, ये कुछ और भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये करना है कि जो नंबर है, तो नंबर किसके जैन पे है, तो यहाँ पे जैन आ जाना चाहिए। यहाँ जैन, यहाँ पे जैन, ऊपर जो हेडिंग होगा ना, फैब है, यहाँ फैब आना चाहिए। ऊपर जो होडिंग है ना, वो हेडिंग यहाँ आना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे हम फॉर्मूला की मदद से, और साथ में हम सॉल्व करेंगे बीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से। तो इस टॉपिक के दो वीडियो होने वाले हैं, पहला फॉर्मूला और दूसरा बीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो सबसे पहले यहाँ हम, क्योंकि तो डेटा जैसा है वैसा ही हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक अलग सीट पे। और सीट पे पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा कि इफ ऊपर वाली वैल्यू अगर ए ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो जैन दिख रहा है इसको शो कर दे, अदरवाइज ब्लैंक शो कर दे। और ये जो B1 है इसको मैं कर देता हूँ फ्रीज, B1 को कर देता हूँ फ्रीज, और नीचे के तरफ ड्रैग करता हूँ, नीचे और आगे की तरफ। लेकिन गलत है, इसका B1 फ्रीज होगा, B फ्रीज नहीं होगा। और इसको इस तरह से हमने ड्रैग कर लिया। और हम नीचे की तरफ भी ड्रैग कर लेते हैं। तो जहां जहां था आप देख पा रहे हैं, वहां वहां यहाँ पर आ गया। कुछ नंबर चेंज करता समय ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 8 भी आ गया। या नीचे मैं कर देता हूँ 6, तो यहाँ 6 आ गया। तो इसको आप अगली शीट पे या इसी शीट पे इसको इस तरह से रख सकते हैं। हमने सिंपल इफ का फॉर्मूला लगाया कि इफ अगर वैल्यू ए है तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब किसी कोई वैल्यू है, अदरवाइज ब्लैंक कर दे। सिंपल सा हमने रो रखना है। अब इसी चीज को प्रोग्रामिंग, जो कि इसके लिए क्या हुआ कि आप देख पा रहे हैं कि हमें इसको अलग जगह पर करना पड़ा, लेकिन इसको प्रोग्रामिंग की मदद से कैसे किया जा सकता है, इसकी प्रोग्रामिंग की मदद से कैसे किया जा सकता है, चलिए इसकी भी प्रोग्रामिंग भी लिखते हैं। तो मॉड्यूल्स में आते हैं, यहाँ पे इंसर्ट मॉड्यूल्स करते हैं, और इसको हम दो स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट, आप यूपीडी के नाम से या कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे मैंने दिया डिम आर एज रेंज, यहाँ देते हैं कि 4 H आर इन सिलेक्शन और नेक्स्ट आर। और उसके बाद इसमें देते हैं इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 देन, यहां पे हम देंगे सेल, सेल्स आर, रो नंबर तो 1 ही होगा, और यहां पे आर डॉट कॉलम। डॉट वैल्यू, लेकिन कहाँ, तो यहाँ पे आर डॉट वैल्यू, आर डॉट वैल्यू इक्वल सिंपल सा, और यहाँ पे एरो। हमने सिंपल बोला कि आर की वैल्यू, मतलब आर मतलब समझ लिया कि सिलेक्टेड एरिया इट कॉल आर,
आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब कोई नंबर है, तो क्या करे, उसकी वैल्यू, आर की वैल्यू रो नंबर वन और जिसको चेक कर रहा है उसकी कॉलम का उठा के डाल दो, सिंपल सा। तो मैंने सिलेक्टेड एरिया में इस मैक्रो को रन कर रहा हूं, आप देखेंगे रन करते हैं। आ गया, सिंपल सा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें प्रॉब्लम हुआ कि मान लीजिए कल के डेट में वैल्यू चेंज होगा तो आपको बार बार रन करना होगा, ये जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। अब इन दोनों में से जो आपको सहूलियत लगती है उसको आप यूज कर सकते हैं। साथ में आप पूरी की पूरी वीडियो सीरीज चाहते हैं तो मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।